दोस्तों, वेलकम टू रासुटी यूट्यूब चैनल। हम आज बात करेंगे प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, इसका शरीर किस प्रकार से बना रहता है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं प्लेनेरिया के बारे में। यह स्वतंत्र जीवी क्रम है जो मीठे जल में के तालाबों में, नहरों में तथा अन्य जलाशयों में पाया जाता है। इसका शरीर लंबा चपटा पत्ती के समान एवं पारदर्शक होता है। इसका शरीर पारदर्शक होता है, यानी कि इस पार से उस पार तक दिखाई देता है। शरीर में लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी कि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। जंतु का पृष्ठ तल गहरे एवं अधर तल हल्के रंग का होता है। इसका जो पृष्ठ तल होता है, पीठ का भाग होता है, गहरे रंग का होता है तथा इसका जो अधर तल होता है वो हल्के रंग का होता है। अगला तिकोना भाग सिर कहलाता है। इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तिकोना भाग है, ये इसका सिर कहलाता है, जिसके दोनों ओर आरिकल नामक उभार होते हैं। यहाँ पर ये जो उभार हैं इनका नाम क्या है, आरिकल है। यदि किसी दुर्घटना में इसके शरीर के खंड हो जाते हैं, ये कट जाता है, तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र प्लेनेरिया के रूप में वृद्धि कर जाता है। इसमें लैंगिक प्रजनन भी होता है, यानी कि इनमें अगर कोई किसी चीज़ से कट जाए तो इसमें दो अलग अलग प्लेनेरिया भी बन जाएंगे और इसमें लैंगिक जनन भी होता है। तो प्लेनेरिया के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें।